हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए दोस्तों, मैं आज कुछ मेंसुरेशन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पर मेंसुरेशन का कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है दोस्तों, एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर होगा, ये पेरीमीटर देखिए दोस्तों, पेरीमीटर होगा ये होगा दोस्तों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस साइड ए बी दोस्तों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड का जोड़, ये हमारा पेरीमीटर कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों अगर मान लीजिए ये एच है, बी है दोस्तों, और ये हमारा बेस है, एच हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला 1/2 × बेस × हाइट ये होता है दोस्तों, 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 b, बेस मतलब b, हाइट h, स्क्वायर यूनिट दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल और सी बात। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल के बारे में ही थोड़ा सा हम रोकेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ हीरोन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। हीरोन फॉर्मूला देखिए दोस्तों, हीरोन फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, देखिए दोस्तों गौर से देखिए, एबीसी कोई हमारा ट्रायंगल है। देखिए दोस्तों, एंगल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने वाला, ये वर्टेक्स बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। तो हमारा पेरीमीटर होता है दोस्तों, एबीसी हमारा साइड है, ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए दोस्तों, तो 2s हमारा पेरीमीटर होगा, 2s इज इक्वल टू 2s, ये 2s है दोस्तों, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हुआ हीरोन सूत्र से, हीरोन फॉर्मूला से दोस्तों। तो हम s निकालेंगे, तो s होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखिए दोस्तों, ये हाफ पेरीमीटर है मेरा, तो देखिए दोस्तों, हमारा हीरोन फॉर्मूला से इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये होता है दोस्तों √s × s − a, s − b, s − c, ये होता है हीरोन सूत्र से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके आगे हम और बताने जा रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए दोस्तों, अगला हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका कैसे होगा दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ पर बी हमारा 90 डिग्री, ए बी सी, बी हमारा 90 डिग्री है दोस्तों,
तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में हेयर ट्रायंगल एबीसी ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल, अगर ये राइट ट्रायंगल हो और कोण बी इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो देखिए दोस्तों ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हाइट हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हाइपोटेनस होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका हमारा अगर पेरीमीटर निकालना हो तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए दोस्तों इसका मतलब हुआ पी प्लस बी प्लस एच, ये हो गया पेरीमीटर। अगर इसका हाइट निकालना है दोस्तों, एरिया निकालना है, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा बीसी हुआ दोस्तों, और ये परपेंडिकुलर हमारा हाइट हुआ एबी, परपेंडिकुलर ही हमारा हाइट होता है दोस्तों। अगर बेस निकालना हो तो देखिए दोस्तों बेस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इज इक्वल टू, इसमें इसका बेस अगर निकालना हो तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर मतलब एबी, एबी मतलब हाइट, ये देखिए दोस्तों 2 × 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 × यहां पर ये जाकर 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई हाइट, हाइट मतलब हाइट, तो ये हमारा बेस हो जाएगा दोस्तों। अगर हमको बेस निकालना है, अगर हाइट निकालना है दोस्तों, तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये तरीका होता है हमारा ये सब निकालने का। देखिए दोस्तों और भी हम आपको बताने जा रहे हैं, और भी फॉर्मूलाज हम आपको इम्पोर्टेंट बातें हॉट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। अगर दोस्तों हमारा हो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल हो। एबीसी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड बराबर होगा, ये ए दोस्तों, अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डी लिख दिए, ये पूरा हमारा साइड ए होगा, ये ए बाई टू होगा दोस्तों, ये भी ए बाई टू होगा। देखिए दोस्तों तो हमारा हाइट क्या हो जाता है, हमारा हाइट होता है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है, √3/2 × a, ए हमारा साइड है दोस्तों, ए ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, ये हमारा ए बी सी यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों हमारा √3/2 × a होता है। इसको निकाल भी सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे दोस्तों, इन ट्रायंगल हाइट ऑफ एरिया होता है दोस्तों, एरिया देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ये होता है दोस्तों, यहां पर ए आर एरिया को लिखिए, ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल
एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हमारा होता है ए, ए हमारा साइड है दोस्तों, ए हमारा साइड है, ए स्क्वायर हुआ। देखिए दोस्तों इसको साबित भी कर सकते हैं हम कैसे, देखिए दोस्तों हाइट कैसे निकालना है। हाइट अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब होता है इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, तो ए बी डी में एंगल ए डी बी ये हमारा 90 डिग्री है दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, देखिए दोस्तों ये हाइट कैसे निकलेगा, हाइट हाइट हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हमारा ए स्क्वायर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिगर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, इसका हाफ वाला, हाफ वाला ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, इसका हाफ का हम फोटो ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों साइड में, ये हाफ ट्रायंगल का फोटो साइड में ड्रॉ कर दिए। ए बी ये ए हो गया, ये ए बाई टू हो गया, तो ये स्क्वायर ये हमको निकालना है ए डी, तो हाइपोटेनस के ये हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस ए बाई टू है, तो ए बाई टू का स्क्वायर, तो ए डी हमारा क्या है दोस्तों हाइट, तो हाइट हमारा निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर, देखिए दोस्तों ये टू टू या फोर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो जाएगा ए डी। देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं फोर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये ए डी हो जाएगा हमारा, ए डी इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर हो गया दोस्तों। तो इसको कैसे अब रूट से निकाल देंगे, तो ए डी इज इक्वल टू ये रूट थ्री हो गया, और फोर का स्क्वायर रूट क्या हो गया टू हो गया इनटू ए। अब देखिए दोस्तों यही हमारा हाइट हुआ, एच आई जी एच टी, यही हमारा हाइट हुआ। इस तरह से दोस्तों हम हाइट को निकाल लेते हैं, इस तरह से दोस्तों हम हाइट को निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे तरीका से हाइट को क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। और भी बात इसमें हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों ये हाइट हो गया, तो हाइट हमारा रूट थ्री बाई टू इंटू ए हो गया, तो देखिए दोस्तों हमारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए डी ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी हुआ दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बी सॉरी बी ए डी बी बी निकालिए दोस्तों, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ये कैसे निकलेगा, वन बाई टू बेस, बेस हमारा बी डी हुआ दोस्तों, बेस इंटू हाइट, हाइट ए डी हुआ, तो वन बाई टू बेस, बेस ए बाई टू हुआ दोस्तों, और ये हमारा हाइट रूट थ्री बाई टू ए हुआ। देखिए दोस्तों ये रूट थ्री बाई टू ए हुआ, तो ये हमारा दोस्तों हो गया वन बाई, देखिए दोस्तों रूट थ्री ए स्क्वायर, रूट थ्री ए स्क्वायर बाई एट, ये हो गया दोस्तों, ए हमारा साइड है, ये हाफ पोर्शन का, हाफ पोर्शन का हुआ, तो हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन का ये हुआ, ये दोनों हमारा, ये दोनों जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्तों ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाता है, तो ये इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इसका होगा, सिमिलरली उसका भी एरिया सेम होगा। तो हम कह रहे हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 2 √3। देखिए दोस्तों 2 × क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको आगे हम बताने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों अब इसका क्या हो गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहां पर हो गया 2 × यहां इसका एरिया निकाल चुके हैं दोस्तों, ये तो 2 पहले से है, इसका एरिया हम ये निकाल चुके हैं दोस्तों, इसका एरिया ये निकाल चुके हैं, ये हमारा है √3/8 × a² देखिए दोस्तों ये 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एरिया हो गया। देखिए दोस्तों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया दोस्तों। आगे और हम बताने जा रहे हैं आइसोलेसस ट्रायंगल के बारे में। देखिए दोस्तों अब बताने जा रहे हैं आइसोलेसस ट्रायंगल एबीसी के बारे में, आइसोलेसस ट्रायंगल एबीसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइसोलेसस ट्रायंगल कैसा होता है दोस्तों, तो आइसोलेसस ट्रायंगल जो होता है दोस्तों वो हमारा दो साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है ए बी सी, ये आइसोलेसस ट्रायंगल है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए ये साइड ए है तो ये भी हमारा ए होगा दोस्तों, ये दो साइड इक्वल होगा। और दूसरा बात है कि यहाँ पर हमारा अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो अगर ये साइड बी है, पूरा पूरा बी है दोस्तों, तो ये बी बाई टू होगा, इतना बी बाई टू, इतना बी बाई टू दोस्तों, ये यहाँ पर ये हमारा ये सर्कल और ये सर्कल दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्तों। तो हम अगर इसका पेरीमीटर निकालते हैं, देखिए दोस्तों ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए, अगर ए है और बी सी हमारा बी है और हाइट ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, तो हमारा ए डी दोस्तों ए डी इज इक्वल टू एच है, तो हमारा दोस्तों यहां पर इसका जो एरिया होगा, देखिए दोस्तों इसका एरिया नहीं, पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर जो होगा दोस्तों, ये पेरीमीटर जो होगा ये साइड ए प्लस ये साइड, देखिए दोस्तों ठीक से लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी देखिए दोस्तों ए बी हमारा ए है, बी सी बी है और सी ए है, तो ये हो जाएगा 2a + b, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। देखिए दोस्तों ये पेरीमीटर हमारा आइसोलेसस ट्रायंगल का हो जाता है। तो हाइट कितना होता है दोस्तों, आइसोलेसस ट्रायंगल का हाइट HEIGHT, हाइट हमारा AD है। देखिए दोस्तों तो हाइट कितना होगा, तो हाइट इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये हाइट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, बेस b/2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा हाइट इज इक्वल टू, ये देखिए दोस्तों ये 4 ले लेंगे तो ये 4a² - b² 4a² - b² हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हाइट हुआ, इस हाइट को और सिंप्लीफाई करें तो देखिए दोस्तों यहां पर हाइट जो होगा, हाइट ए डी
इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू रूट अंडर 4a² - b² डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हमारा दोस्तों हाइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा हाइट हो जाएगा। अब हम अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, तो एरिया हमारा होता है बेस इनटू हाइट। एरिया ये हाइट हो गया, ये एच हो गया, एडी निकल गया दोस्तों। अब हमारा एरिया निकालना है, तो एरिया जो होता है हमारा आइसोलेशन ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट। देखिए दोस्तों बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आइसोलेशन ट्रायंगल एबीसी का मतलब आइसोलेशन ट्रायंगल। देखिए दोस्तों यहां पर 1/2 बेस हमारा बी है और हाइट ये रख देंगे। हाइट कितना होगा दोस्तों, ये बी इनटू में है, हाइट हो गया दोस्तों 4a² - b² / 2। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी रूट अंडर 4a² - b² / 4। ये हमारा एरिया ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया दोस्तों, ये एरिया ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया दोस्तों, ये हमारा एरिया ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया। यहाँ स्क्वायर यूनिट इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, ये सब दोस्तों हमारा यूनिट होगा, सिर्फ ये यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये भी हमारा यूनिट होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे जस्ट पीछे वाला दोस्तों उसमें कुछ हम मतलब कि उसको एक्सप्लेन किए हैं, उसी का ये भाग है, वो वीडियो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो और ये वीडियो दोनों एक ही वीडियो है, लेकिन दो बार हो गया दोस्तों हमसे, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों वीडियो को एक साथ देखकर समझने की कोशिश करिएगा ये चैप्टर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।